फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको नरसिंहगढ़ की सैर कराना चाहती हूँ। भोपाल से 84 किलोमीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत नगरी है। 1600 सेंचुरी में बनी थी वो, 16 सेंचुरी में। यहाँ हम सबसे पहले हमारी टीम गेस्ट हाउस पहुँची। आदरणीय कौरव साहब के द्वारा हमारा सारा पिकनिक का प्रोग्राम अरेंज किया गया था, जिसमें हम लोग पहुँचे और यहाँ चाय नाश्ता किए। फिर हमारी टीम जल मंदिर पहुँची। चारों तरफ शहर, शहर के बीचों बीच लेक और लेक के बीचों बीच मंदिर, सामने पहाड़, पहाड़ों पे एक बड़ा सा किला जो 16वीं शताब्दी की याद दिलाता है। और ये ऐतिहासिक नगरी है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख ही रहे हैं, एकदम गोल्डन टेंपल की याद आती है यहाँ पर आके। गोल्डन कलर का मंदिर और चारों तरफ झील, झील में बहुत सारी मछलियाँ हैं, कछुए हैं, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। इसको देखने के बाद हमारी टीम चिड़ीखो फॉरेस्ट पहुँची। चिड़ीखो फॉरेस्ट, वहाँ से पास ही नरसिंहगढ़ का एक और ब्यूटीफुल स्पॉट है। आप यहाँ आ सकते हैं। 2 दिन पहले बारिश हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर और हरियाली, बिना धूल के साफ़ सुथरा वातावरण दिख रहा है। चारों तरफ हरे हरे जंगल और बीचों बीच रास्ता, बड़ा ही सुहाना सफ़र है। खूबसूरत वादियाँ, ताज़ी हवा, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तलाश में हैं कि चारों तरफ कहीं कोई जंगली जानवर हमें दिखाई दे दे, लेकिन दोपहर का टाइम होने से जंगली जानवर नहीं दिखाई दिए, बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ताज़ी ताज़ी प्योर हवा मिलने से बहुत ही ज़्यादा फ्रेश महसूस हो रहा है। यहाँ से चलते चलते हम लोग यहाँ चिड़ीखो का जो मेन पॉइंट है, एक झील है बहुत ही खूबसूरत से, यहाँ पहुँचे। झील के दूसरे साइड, दूसरे छोर आनंद लेते हुए झील का दूसरे छोर में पहुँचे और वहाँ पर हमने चाय नाश्ते का आनंद लिया। बड़ा ही अच्छा नज़ारा था, बहुत अच्छा यहाँ का सीन है। सामने पहाड़ है, पहाड़ में बच्चे ट्रैकिंग कर रहे थे। फिर हम लोग, इसके सामने एक चबूतरा है, टावर, उस पर चढ़कर जंगल का नज़ारा देखे। सामने झील दिखाई दे रही थी जो बिल्कुल चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया के समान दिख रही थी। ये देखिए, दूर दूर तक सतपुड़ा के घने जंगल और ये झील, बड़ा ही सुहाना नज़ारा। इसके बाद हम लोग एक बांके बिहार करके जगह है, वहाँ पर 16 खंभे एक स्पॉट है, वहाँ पहुँचे। ऐसा कहा जाता है कि ये 16 खंभे के ऊपर एक मीनार हुआ करती थी और वहाँ से दिल्ली दिखाई देती थी। काफ़ी ऊँची मीनार थी, लेकिन बाद में वो तोड़वा दी गई। उसके पास ही लगा हुआ एक दरगाह है। ये दरगाह बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एक बड़ के पेड़ के चारों ओर लिपटा हुआ है, सीढ़ियों से चढ़ के टॉप पे जाना पड़ता है, वहाँ दरगाह है। यहाँ भी लोग अपने सुकून की तलाश में आते हैं और खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हैं, दुआएं करते हैं, शायद कोई दुआ कबूल हो जाए। सुकून मिलता है यहाँ के, बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा हसीन नज़ारा है। इसके बाद हम लोग श्याम मंदिर पहुँचे। ये भी एक बड़ी ही खूबसूरत मंदिर है। ऐसे कहा जाता है कि यहाँ की रानी ने अपने स्वर्गीय राजा की याद में ये मंदिर बनाई थी। और यहाँ पर आके हम लोगों ने शुद्ध घी में बना हुआ, लकड़ी की आंच में बना हुआ दाल बाटी का आनंद लिया। हमारी कौरव भाभी और कौरव साहब के द्वारा ये भोजन संपन्न किया गया। देखिए, बड़ा ही अच्छा ये मंदिर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके बाद हम लोगों ने इसकी पूरी तरह से देखा, यहाँ की सीनरी, पत्थरों की नक्काशी, झरोखे, सब कुछ बहुत सुंदर है। लेकिन
ऐसा कहा जा रहा है कि ये मंदिर अब डूबने वाला है और यहाँ कोई बांध की योजना बन रही है जिसके चलते ये मंदिर डूब जाएगा। शाम हो चुकी है, अब हम सब अपने अपने घर को लौट रहे हैं। करीब 1.5 घंटे की जर्नी करते हुए हम लोग सब अपने अपने घर पहुँच चुके। बहुत ही अच्छा सफ़र था।